नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉगिन किया है इंडिया समाचार। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें और हिम्मत दें। धन्यवाद। जालौन की कोच कोतवाली पुलिस एवं स्वाट टीम को बड़ी सफलता मिली। अवैध असलाह फैक्ट्री चलाने वाले दो लोगों को अवैध असलाह बनाने वाले उपकरण व अवैध असलों सहित गिरफ्तार जब्त किया गया। कोच कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बरसेरी में काफी दिनों से अवैध असलाह बनाने की फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था, जिसकी सूचना मुखबिर द्वारा पुलिस को मिली। सूचना के आधार पर कोतवाली पुलिस एवं स्वाट टीम रात्रि करीब 10:15 बजे ग्राम बरसेसी में अवैध असलाह संचालन करने वाले श्री राम यादव थाना आटा, रतिराम हरिवर थाना जालौन को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों के पास से एक 315 बोल राइफल, दो 315 बोल तमंचा एवं असलाह बनाने वाले उपकरण भी बरामद किए गए। पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों के ऊपर जनपद के अलग अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं और ये दोनों पेशावर अधिकारी अपराधी हैं। ग्राम बरसेरसी में काफी दिनों से असलाह बनाने की एक फैक्ट्री चल रही थी, जो गलत तरीके से असलाह बना करके बेचते थे। ये सूचना जो मिली है तो हमारी स्वाट टीम, सर्विलांस टीम और थाना कोच की पुलिस ने संयुक्त रूप से ग्राम बरसेरी में दबिश डाला और वहां से असलाह फैक्ट्री को बरामद किया है। दो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, श्री राम यादव पुत्र चंद्रराम, ये निवासी करमेर थाना आटा के हैं, और रतिराम अहिरवार पुत्र गजाधर, निवासी ग्राम ब्यासपुर थाना जालौन के हैं। और इनके पास से दो बंदूक और दो कट्टे। बंदूक जो है एक 315 बोर की है और एक 12 बोर की है, और इसी प्रकार जो कट्टा बरामद हुआ है वो दो देसी तमंचा है 315 बोर का, 5-12 बोर का कारतूस जिंदा मिला है।